गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का जो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। आज हम लोग बैलेंसिंग की बात करेंगे, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या किसको आप बुलाओगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और किसको बुलाओगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात है, अगर मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करता हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको बोला जाता है बैलेंस्ड। अगर केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड, तो वो केमिकल इक्वेशन जो कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपने क्लास 9th में पढ़ के रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इस्तेमाल है इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट, दो तरह से आप बैलेंस बुला सकते हो। जैसे मान लें यहाँ पे मैंने लिख दिया C प्लस O2 और यहाँ पे आ गया CO2 सपोज, ये चीज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि यहाँ पे मान लीजिए 12 कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मोल में लीजिए 12 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 32 हो गया, ओवरऑल यहाँ 44 आ गया, इधर भी 44 यूनिट आएगा, ठीक है, इधर भी 44 और इधर भी 44। मतलब कहने का मतलब होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करते हैं। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, उसको आप क्या बुलाते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल। जो ऐसा नहीं कर पाता है उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो ऐसा कर पाता है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो ऐसा नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके मतलब क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैं लिखूंगा जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं फॉलो करेगा, उसको हमको बैलेंस करना है और क्या करना है, फॉलो करवाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ध्यान में रखिए, अगर आपके पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसको हम लोग एस्केलेटल रिएक्शन भी बोलते हैं। एस्केलेटल के मतलब सिर्फ बोन रहता है विदाउट मसल्स, उसको बोलते हैं एस्केलेटल रिएक्शंस। तो मान लें हमको पढ़ना है अनबैलेंस्ड, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आज हम लोग देखेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड में क्लियरली होगा जो भी, जैसे मान लें कि आपका एक रिएक्शन मैं लिखता हूँ, ध्यान में यहाँ पे मैंने लिख लिया Al प्लस O2 और मैंने बना दिया यहाँ पे Al2O3, ध्यान देंगे बात, ठीक है, Al प्लस O2 और Al2O3, Al2O3, इसके बाद आपको पता चल रहा है, ध्यान देंगे कि एल्यूमिनियम यहाँ पे एक है, इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, LHS की बात कर रहा हूँ, इधर है RHS, ये आपका RHS है और ये LHS है जिसको आप बुलाते हो रिएक्टेंट साइड, ये है रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट्स हो गया और ये हो गया प्रोडक्ट। आप ध्यान दो कि रिएक्टेंट के साइड में आपका एल्यूमिनियम भी है और ऑक्सीजन भी, कौन कौन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, इज इट क्लियर, एल्यूमिनियम है और आपका ऑक्सीजन है, तो हमने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन लिख दिया, इधर भी एल्यूमिनियम होगा और इधर भी ऑक्सीजन होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब इस आप लिखे थे एल्यूमिनियम में, तो इधर वाला जो भी एलिमेंट है उसके सामने वही एलिमेंट लिखें, यहाँ भी जो एलिमेंट है उसके सामने वही एलिमेंट लिखे, चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम एक है, इधर एल्युमिनियम दो है, इधर ऑक्सीजन की संख्या दो है, देखिए दो ऑक्सीजन है, O2 का मतलब क्या होता है, दो ऑक्सीजन, यहाँ O3 का मतलब थ्री ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है क्लियरली कि यहाँ पे एल्युमिनियम एक है ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे एल्युमिनियम दो है ऑक्सीजन तीन है, इसके मतलब बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो इसके मतलब ये जो रिएक्शन है कह सकते अनबैलेंस्ड कंडीशन में, अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड कंडीशन में है इसके मतलब ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा हो। देखिए मैं बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा हो, एक एल्युमिनियम 27 एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका और दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का 32 होगा, ध्यान दें। सिमिलरली अगर हम जोड़ते हैं 729 और 325, ये आ गया इसका एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये इधर देखते हैं हम 27 इंटू 2 54
और 16 × 3 48, मतलब ये आ 100। इसके मतलब है कि इधर का मास कुछ अलग है, इधर का मास कुछ अलग है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बैलेंस नहीं था। अगर बैलेंस होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। और जब बैलेंस करेंगे मतलब एक तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको क्या करना है, फॉलो करना है, तब जाके समझ जाइए आपका रिएक्शन बैलेंस है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, बहुत मजा आएगा, आप वीडियो के साथ बने रहें और देखिए किस तरह से। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात तो करना ही नहीं, बैलेंस्ड मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो फॉलो करता है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आपके समझा दिया और एक अनबैलेंस्ड भी लिख के दिखा दिया। अब हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हीट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहा हूँ। हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास टॉपिक है, आप भी मेरे साथ लगा लो, कुछ इक्वेशन को बैलेंस कराएंगे। बाद में क्या होगा, बहुत सारे इक्वेशन आप जो बैलेंस कर लोगे तो इतना प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि आसानी से किसी भी इक्वेशन को टैकल कर देंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज स्टार्टिंग ले रहा हूँ, जैसे मान ले ऐसा लिखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी देखिए बैलेंस कंडीशन में, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस जो अनबैलेंस्ड कंडीशन में इक्वेशन, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे Mg प्लस O2 बनाता है क्या, MgO, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बन जाते हैं। तो अब मान लीजिए सिंपल सा रिएक्शन, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम छोटा सा, एकदम स्टार्टिंग जो है हल्का वाले, तो इधर रिएक्टेंट के साइड लिख दिए रिएक्टेंट, इधर आप क्या करो प्रोडक्ट लिख, इधर प्रोडक्ट है रिएक्टेंट वाला लेफ्ट हैंड साइड इधर हो गया, ये हो गया इधर वाला राइट। अब नंबर ऑफ एटम देखिए कितना है, मैग्नीशियम के एटम कितने हैं, एक है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, दो है। मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, ध्यान देंगे। अब करना क्या आपको, देखिए इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम, आप एक चीज ध्यान रखें, जब भी इस टाइप से लिखे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो जो एलिमेंट है उसके सामने ऐसा लिखे, बहुत तभी जाके आसान होगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम यहाँ लिखे तो यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दी, इसके सामने मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन, जो भी फर्दर एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगी आपका, एक मैग्नीशियम इधर भी है, एक मैग्नीशियम इधर भी, चलिए ये बैलेंस, ये बैलेंस इधर देख, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या 1 है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ भी एक मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1। अब बताइए यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, किधर आपने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट के साइड, तो प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम 2 करेंगे। अब ध्यान देंगे जैसे ही आपने 2 भी ध्यान देना है, एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई का कोफिशियंट लगाते वक्त, ये जब कोफिशियंट आप लगाइएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे कि ये 2 यहाँ पे लगा दें, कहीं कहीं बच्चे को प्रॉब्लम होता है। अब देखें अक्सर वो बच्चे क्या करते हैं, ये 2 को क्या करते हैं, यहाँ लगा दिए, मान ले 3 मिला तो हो सकता है यहाँ लगा दे, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये कोफिशियंट कहाँ लगता है ये आप समझ लीजिए, सबसे पहली बात है, ऐसा नहीं, कोफिशियंट जब भी लगेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मान ले MgO है, ठीक है, तो कोफिशियंट जब भी लगेगा टोटल के, जितना भी टोटल है मैग्नीशियम है, बीच में कहीं पर ये नहीं जा सकता, तो यहाँ लगाएंगे, इसके आगे में लगाएंगे, उसके जस्ट बिफोर लगाएंगे, आगे में लगाएंगे। देखिए जैसा ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जब कोफिशियंट आपने लगाया तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी होगी, यहाँ पहले 1 था लेकिन अब कितना हो गया, अब देखिए 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो 2 हो गया तो अब यहाँ तो 1 रह गया, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जाके आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। जब भी कोफिशियंट लगाइएगा आगे में, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, गोलार कोफिशियंट, ठीक है, गोलार कोफिशियंट, तो कोफिशियंट लगाते समय एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि जब लगाए तो और एटम पे, बचे हुए एटम पे क्या प्रभाव पड़ा, घटा कितना से बढ़ा हुआ। कोफिशियंट लगाइए, ऑब्वियसली अगर 2 लगाइए 3 लगाइए क्या होगा, संख्या उसका बढ़ जाएगा, उस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लिया अभी मैंने यहाँ 2 लगाया, ऑब्वियसली पहले से ऑक्सीजन, पहले मैग्नीशियम 1 था, अगर 2 लगाने के बाद ऑक्सीजन तो 2 हो गया, साथ साथ मैग्नीशियम भी तो बढ़ा, तो पहला तरीका ये हुआ,
ये सब चीज़ को पॉइंट को ध्यान रखना है और कभी भी बीच में नहीं लगाना है, आगे लगाना है, आगे लगाना है। कोई कोफिशियंट कहाँ लगेगा, मान लें यहाँ पे हमारा ए है, बी है, सी है और डी है, कभी भी कोफिशियंट लगाना हो चाहे तो यहाँ लगाएंगे इस पोजिशन पर, इसे यहाँ एक्स है, वाई है, जेड है, आर है, तो आगे मान लें एक्स के जगह पर हो सकता है दो, वाई की जगह पर तीन, जेड के जगह पर तीन, आर के जगह पर चार हो सकता है। तो ये जो कोफिशियंट लगेगा इस मैनर में लगेगा, इसके जस्ट आगे लगेगा, ऐसा नहीं कि दो लगाने के लिए हम यहाँ ए है तो बी है, सी है, डी है, तो ये दो को हम यहाँ डाल दिए, गलत। ये तीन को यहाँ डाल दिए, गलत। ये भी तीन को यहाँ डाल दिए, गलत। ये चार को यहाँ डाल दिए, गलत। इस बात को, ये काम बच्चे क्या करते हैं, अक्सर करते हैं, यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगा देते हैं। दूसरी बात, अगर कभी कभी लिखा हुआ है एन ए ओ एच, अब दो लगाने की बारी आई तो अब यहाँ लगाने के बजाय क्या कर देते हैं बच्चे, यहाँ, ये एकदम गलत। कुछ भी लगाना है एकदम उसके आगे में खड़ा रहेगा, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखें, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी, कहाँ लगाना है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल के साथ हम लोग बढ़ते हैं, यह आप ध्यान दें, सेकेंड एग्जाम्पल आपको कराया जाएगा धीरे धीरे, हम थोड़े से धीरे धीरे, पहले हल्का हल्का सीखेंगे, उसके बाद कुछ पॉली एटॉमिक वाला जब आएगा तब मजा आएगा थोड़ा ज़्यादा। अब माने हमने यहाँ लिए एल प्लस ओ, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, बैलेंसिंग सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं, चलिए स्टेट माने सॉलिड स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है, इसको अभी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अब देखिए, अब इसको बैलेंस करना है, आप तैयार रहिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए मेरे साथ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लिखते जाइए उसको। रिएक्टेंट साइड पहले लिखिएगा रिएक्टेंट, इस साइड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को आप LHS, प्रोडक्ट को RHS, सारे आइटम जो पार्टिसिपेट किए हैं रिएक्टेंट साइड में लिख लीजिए, कौन कौन है, एल्युमिनियम है, एक ऑक्सीजन है, इस साइड की वही चीज़ होगा, जब भी लिखिएगा बात एल्युमिनियम के सामने एल्युमिनियम, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है एक है, ऑक्सीजन कितना है दो है, एल्युमिनियम यहाँ कितना है ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन एल्युमिनियम दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है, इस बात पे ध्यान रखिए, फोकस रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना आपने कर लिया, आई थिंक आपने इतना कर लिया होगा। अब ध्यान दें, यहाँ एल्युमिनियम एक है, यहाँ दो है, कितने से मल्टीप्लाई करें जो कि इधर वाले के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या किए, दो से मल्टीप्लाई कर, दो लगा दिए, ये दो कहाँ लगाना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ लगाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो यहाँ मैंने लगाया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो दो है, यहाँ पे तीन है, अब मैं क्या करूँ, क्या की कंडीशन ये है कि एक है इवन और एक है ओड, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कोई कंप्लीट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वलेंट नहीं आए, तो इस अगर ऐसा आ गया सिचुएशन आपके सामने, ऐसा आ गया तो क्या करें, अगर एक इवन है तो क्या करना है, तीन लाना है, तो क्या करेंगे, थ्री ऊपर रखेंगे, जितना लाना है उतना ऊपर रख दें, जितना मल्टीप्लाई करते वक्त जितना लाना है उतना ऊपर, और किससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये कितना दो है दो नीचे, जितना लाना है उसके ऊपर रखिए, इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हो गया कि टू इंटू थ्री बाई टू इज इक्वल टू थ्री ही होगा, थ्री के बराबर, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, थ्री बाई, आप बोलिएगा सर क्या फ्रैक्शन में बैलेंस होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, हमको तो बैलेंस करना है, हम किसी तरह से कर सकते हैं। अब मैं फ्रैक्शन को बदल के भी दिखा दूंगा आपको एक कंप्लीट नंबर में, चिंता नहीं कीजिए, थ्री बाई टू, अब सब कुछ बराबर हो गया, इधर के एटम बराबर, इधर के एटम बराबर, ये बराबर, ये बराबर, बैलेंस कंडीशन में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो कर रहा है इस इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसके फ्रैक्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसके फ्रैक्शन को मैं चेंज करूँगा, आप देखिए फ्रैक्शन को अगर आपको नहीं रखना है, मन नहीं कर रहा है, फ्रैक्शन को हटा दीजिए, कैसे हटाइएगा भैया, अब फ्रैक्शन को हटाना है, तो फ्रैक्शन को हटाते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि नीचे जितना है, मान ले थ्री बाई टू है, तो आप कह सकते हो इसके डेनोमिनेटर क्या है, दो है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं, आपको पता है, तो ये दो जितना डेनोमिनेटर रहेगा
सारे को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ दो है, इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3/2 है, इसको भी दो से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको भी दो से मल्टीप्लाई करना होगा। जितना डिनोमिनेटर है सबको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, रिएक्टेंट वाले को भी और प्रोडक्ट वाले को भी। फाइनल क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 × 2 = 4, यहाँ पर 4AL हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आप 3/2 और दो से, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 3O2। आप ध्यान दीजिए, अब 2Al2O3 ये। अब देखिए चेक कर लीजिए, इस साइड एल्यूमिनियम कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखिए पहले 2 था, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई का साइन नहीं रहेगा, समझ जाना हो कि ये मल्टीप्लीकेशन में होता है, जो आप सामने कोफिशिएंट लगाते हैं वो मल्टीप्लाइड में रहता है। 3 × 2 = 6, कितना हो गया 6। अब इधर आइए, एल्यूमिनियम कितना है आप समझ जाइए, 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 × 2 = 3, 2 = 6, बोलिए कितना है? ये एल्यूमिनियम 4, ये एल्यूमिनियम 4, ये 6 और ये 6, इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप बैलेंस करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दो होगी, आप इसके स्किल कवर कर दो, पहले छोटे छोटे सीख जाएंगे, उसके बाद मैं आपको लार्ज बताऊंगा। फ्रैक्शन में आ सकता है, नो डाउट। आप देखो एक चीज़ और देखें, एक फ्रैक्शन वाला आप देखें, इस पे देखें, ध्यान देंगे आप, अब देखिए केस ये रहते हैं, एक और फ्रैक्शन वाला दिखाते हैं। धीरे धीरे हम लोग अगर मान ली, ज़्यादा कवर नहीं करना है, सिर्फ 3-3 सीखेंगे, आपके लिए अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर दे देंगे, ठीक है, ज़्यादा देर का टाइम नहीं लेंगे, इसके बाद कुछ अलग सिखाएंगे, मतलब 3-3 बैलेंसिंग हम लोग अलग अलग वीडियो में करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, हम लोग के पास बहुत पर्याप्त टाइम है। KCl हो गई, पोटासियम क्लोराइड डाइऑक्साइड, इसको याद रखिएगा पोटासियम क्लोरेट बोलते हैं, अगर फार्मूला में प्रॉब्लम है तो मैं लिखते जा रहा हूँ आपके साथ, पोटासियम क्लोरेट इसको बोलते हैं। क्लोरेट आयन होता है, K+ होता है और ClO3 का माइनस क्लोरेट होता है, इसको बैलेंस करना। इधर देख लेते हैं, पोटासियम है, क्लोरीन है और क्या है आपका ऑक्सीजन है, इधर भी सेम चीज़ होगा, पोटासियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। तो पोटासियम की संख्या 1 है, क्लोरीन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है। पोटासियम इधर देखिए क्या है, पोटासियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यही कुछ देखने को आपको मिल रहा है, सारा चीज बैलेंस करना है आपको, क्या करें। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या 3 है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं, ये बैलेंस, इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है। तो क्या करें बताइए, इस साइड 3 है, इधर 2 है, तो इसके लिए क्या किया जाए, ठीक है, बराबर करना है। इस साइड अगर आपको 3 लाना है, क्या करते, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो चुका है, फ्रैक्शन में है तो क्या बैलेंस है ऑलरेडी। अब आपको बोले थे फ्रैक्शन हटाना है तो क्या कीजिए, फ्रैक्शन हटाना है तो जितना डिनोमिनेटर है, सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी से, हट जाए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, तो हो जाएगा आपका फाइनल 2KClO3, इसको हिट करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे 3/2 और O2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या बनेगा, 2-2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या 3O2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पोटासियम 2 हो गया, इस साइड पोटासियम कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन देखिए यहाँ भी 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन हो गया, सिमिलरली पोटासियम इधर भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया और 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन हो गया, ये बैलेंस कंडीशन में आ गया। तो ये हो गया, आपको इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं, सिंपल रिएक्शंस कर सकते हैं बैलेंस आसानी से, ठीक है। समझ लीजिए आपको पार्ट फर्स्ट आपका ये तैयार हुआ है, धीरे धीरे और भी हम बैलेंसिंग लेके आ रहे हैं आपके लिए। इतना ये हो गया तरीका, आपको किस तरह से इस फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया गया क्या 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 आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। पहला चीज़ ये है, बैलेंसिंग तो सीखे हम लोग, साथ साथ ये भी सीखे हम लोगों का गलती नहीं करना है ड्यूरिंग बैलेंसिंग, ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे लगाना है 2-3, आप कहाँ लगाओगे, बीच में मत लगाना, जब भी लगाना तो साइड में लगाना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि अब 2 लगा तो हम यहाँ लगा दें, ये एकदम गलत है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बैलेंसिंग के साथ, पार्ट सेकेंड। तब तक के लिए धन्यवाद।